गाइज वेलकम बैक टू बिकम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं और आज के जीके सेशन में आज हम पूछने वाले हैं आपका मास्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सचिन के साथ। और सचिन, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, नहीं स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। निम्नलिखित में किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता बहुत ही बढ़िया। कब हुआ था यह समझौता? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, याद रखना है, ठीक है। तो इस समझौता के तहत हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया हिंदू मुस्लिम का मतभेद और भी बढ़ते गया और फाइनल 1947 को हमारा देश दो टुकड़ों में फट गया और वो टुकड़ा हुआ धर्म के आधार पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम मतलब हो गया आपका 1942 के समय, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं 1939-1942 के समय ये बात हुआ था, क्योंकि उसी समय भारत राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? त्रिपुरी। बहुत ही बढ़िया, गजब, जबरदस्त जवाब दे रहे हो तुम, ठीक है। और अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहते तो प्रथम प्रधानमंत्री वही होते, ठीक है। सब लोग मान लिए थे कि सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री बनाना, लेकिन वो ऐसा हुआ कि देश को आजाद कराने के लिए गए जापान, जापान से सिंगापुर कहां गए और लास्ट में हवाई हमले में अभी तक पता नहीं चला कि वो सच में मरे हैं या क्या हुआ है, अभी तक रियल में कुछ पता नहीं। आइए, भारत राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस को मनाने की घोषणा की थी? 1930। हाँ, 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता को मनाने का योजना बनाया था, इसलिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उसी को लिया गया वहां पे, ठीक है। हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 में ही बन गया था, लेकिन लागू जो हुआ 1950 में। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारत राष्ट्र कांग्रेस के डैश अधिवेशन में गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन। हाँ, वंदे मातरम भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और ये जन गण मन भी, ये को याद रखिए, जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर और वंदे मातरम रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। 1924 के कांग्रेस के बेलगाम, जो कि हम उस दिन बोले थे, बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, फेमस आदमी थे, नाथुराम गोडसे उसको धोया, मतलब सॉरी मारे, लॉर्ड कर्जन, महात्मा गांधी, एम के गांधी। अरे महात्मा गांधी, महान मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब महात्मा गांधी। और उस दिन बोले थे बेलगाम अध्यक्ष एके को किया है वो महात्मा गांधी। हम लोग डिटेल से अच्छा से करने का प्रयास करता ना, पढ़ो उसको, डिटेल भी पढ़ लो थोड़ा सा, एक बार रट लेते हो ऐसे नहीं, पहले पढ़ो उसका डिटेल अच्छा से करो। हाँ, जीके का डिस्कशन देखता है बच्चे, बच्चे लोग देखते हैं तो उसको समझेंगे, और हुआ तो अच्छा भी रहा, तो वहां पे एक एक क्वेश्चन वहां पे दिखा भी देंगे कि ये क्वेश्चन ये था, है कि नहीं जी। अगर सूरज थोड़ा उस पर अगर कट करके हमको भेज देगा तो उसको भी हम सेट कर देंगे, है क्या, कैसा रहेगा, एकदम जबरदस्त दिखेगा, फटा क्वेश्चन फट स्क्रीन पे दिखेगा, आंसर वा नहीं रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन रहेगा ताकि बच्चे बोल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र में के संदर्भ में सही नहीं है, पूछा कि नहीं जवाब? हाँ। तो पहला है गांधी इरविन की संधि की पुष्टि हुई थी, यही। अरे पहले तुरंत बता दिया, महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, इस आयोजन के खिलाफ आंदोलन आरंभ किया गया था, तो आंसर सही बता दिया वो। सितंबर 1920 के भारत राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कहां पे किया गया था? कोलकाता। बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं बंगाल विभाजन, इसके पहले और भी है क्या, इधर भी है, नहीं। बंगाल विभाजन यानी स्वदेशी आंदोलन में आप पहुंच गए हम लोग, और ये चल रहा है शायद अभी आप लोग का गांधी युग, ना जी गांधी युग में ही लगभग चल रहा है।
1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन। हाँ, लॉर्ड कर्जन थे उस समय, ठीक है, और लॉर्ड कर्जन के तुरंत बाद चेंज हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1905 के बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? लॉर्ड कर्जन। हाँ, वही चीज फिर घुमा के दिए। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन 1947 में बंगाल का विभाजन, 1905 में बंगाल का विभाजन, 1905 में बंगाल का विभाजन। हाँ, किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? 1905। मुस्लिम लीग में, सचिन आपके आपका क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। हाँ, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसमें बताना है कब, इसमें बताना ना। हाँ, इस तरह धूम पिचा धूम पिचा करने मन करता है। अभी 1906 में उपरेम पूछे थे मुस्लिम की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में, तो फिर तो 1906 में बताना था जी। हाँ, कैसे तुम लोग कंफ्यूज कर जाते हो जी, क्या दिक्कत है तुम लोग को बताओ। हाँ, किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? 1911। अभी लखनऊ समझौता उधर बोले थे 1916, ठीक है। अब है दिल्ली दरबार ना जी, दिल्ली दरबार, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? 1928। ये वाला गलत हो गया, ठीक है, 1911 सही होता। अब आते हैं रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्र अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? छह अप्रैल 1919। हाँ, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। रोलेट एक्ट अधिनियम समेकित रूप से क्या था? ऑप्शन देना पड़ेगा, सभी प्रकार के जन आंदोलनों को प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिपादित किया गया था। दूसरा है, इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। हाँ, तो रोलेट एक्ट का मतलब ही था बिना दलील, बिना कौन सी था, बिना दलील, बिना कुछ किए उस पर मुकदमा, मतलब उसको जेल डाल दो, ठीक है। इसका मीनिंग दिया होगा कि दलील बलील कुछ दिया नहीं, दिया संदेह, किसी संदेह के आधार पर ही उसको डाल देता था। 1919 में निम्नलिखित में कौन सी घटना नहीं हुई थी? किसका है? बंगाल का विभाजन हुआ था। पूरा इसमें बोलना पड़ेगा ना, चारों तीन उत्तर में बताएगा, आखिर स्टूडेंट देखेगा कौन वाला नहीं है। इसमें ऑप्शन तो चाहिए, जिसमें ऑप्शन नहीं चाहिए उसमें तो मांगते हो, जिसमें ऑप्शन नहीं चाहिए उसमें मांग लेते हो, जिसमें चाहिए उसमें नहीं मांगते, सीधे आंसर बता देते हो, गलत बात है। इसमें ऑप्शन इस तरह का हुआ, रोलेट एक्ट पारित किया था 1919 में, क्या हुआ था? हुआ था बंगाल का विभाजन, हुआ था नहीं हुआ था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार घोषणा की गई थी? हाँ, हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? हुआ था। इसका मतलब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, समझ में आ गया। तो इसमें ऑप्शन चाहिए था लेकिन नहीं मांगा, कोई बात नहीं। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने डैश नामक अधिनियम पारित किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। राजू भैया तुमको ठीक है बोला है कि बाबू सोच समझ के आंसर दिया करो जीके में, इंग्लिश में तो तुम बहुत ही बेहतरीन जवाब देते हो, कोई डाउट नहीं है, जीके में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसका रोलेट एक्ट अभी तो 1919 में यही बोल ही रहे हैं, तो उसमें कहां से कौन सी बोला किस आधार पे बोला कुछ भी सोचो पहले कि बोलना क्यों है इसको, मतलब तुम लोग ये सोच के रखे हो कि अबरी बार आएगा। अच्छा, ठीक है। अब है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, मतलब अलग अलग देश में जाकर के क्रांतिकारी आंदोलन किया था, जैसे मैडम भी कहा क्या क्या ढेर नाम है। तो पहला जो है वो है नवंबर 1915 में डैश को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में किसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी? कौन, नाम बताना है, ऑप्शन देना पड़ेगा क्यों, टफ है। टंटिया मामा, करतार सिंह सराभा, गगन भाई पटेल,
और विजय सिंह पथिक, करतार सिंह सरावा। तो इस तरह के ऑप्शन देना जरूरी है क्योंकि नया नाम है, नया नाम लगता भी है कि नया नाम है, तो उसको महात्मा गांधी ऑप्शन देना चाहिए। ये तो सभी लोग जानते हैं, ये करतार सिंह हम भी नहीं सुने थे इसलिए हम दे दिए। तो गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1913। आप इसमें ऑप्शन थोड़े देते है कि नहीं? तो ये हो गया 1913। बहुत ही बढ़िया। गदर पार्टी का जो मैन उसका था वो था लाला हरदयाल है। कामा गाता मारू क्या था? कामा गाता एक पोत। हाँ ये हुआ ना बात, गर्दा उड़ा दिया, ये तो बिना गर्दे उड़ा दिया तुम। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? लाला हरदयाल, बाबा गुरदीप सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना। बाबा गुरदीप सिंह। देखिए कैसे बढ़े, ऑप्शन देना जरूरी था इसमें क्योंकि कौन नहीं था इससे पता चला कौन कौन था, इसमें दो क्वेश्चन आंसर हो जाता है इसलिए। और इसमें डायरेक्ट आंसर बोल दे क्या फायदा, वहां पे तो दिख भी नहीं रहा स्क्रीन पे तो पता चलेगा। जलियांवाला बाग पे आ गए हम लोग। डैश ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। हाँ इसीलिए 13 अप्रैल 1919 को हम लोग कुछ दिवस मनाते हैं कि नहीं, ऐसे लोहड़ी मनाते हैं ना, लोहड़ी भी नहीं, 13 अप्रैल कुछ मनाते हैं पंजाब में शायद। तो जनरल डायर वो जो जलियांवाला बाग में सरंगा का दोषी था किसके द्वारा मारा गया? शायद उसी तरह का नाम है उत्तम सिंह बोल रहे थे। जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? पंजाब। और भी है? हाँ। अभी भी है? हाँ। वाह वाह क्या बात है, आप लोग बहुत बहुत खतरनाक हो गया आप लोग। अब है क्रांतिकारी आंदोलन, आप ही का क्वेश्चन है। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में डैश के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक हो गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखे सूरज कहाँ आंसर होता है इसका। ये देखो 1925 में था और तुम 1919 में चल गया था। ऐसा कोई बात है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1925 के काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? ऑप्शन देते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। यही तो होगा ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ बोलते काकोरी में ट्रेन लूट को अंजाम दिया था? अशफाक उल्लाह खान। जी हाँ, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? 1925। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस। एक शहीद दिवस यह है, एक शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं महात्मा गांधी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन डैश वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? 1925 ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन जो है यहाँ पे 1921 1922 1930 1928। हाँ, और आज का लास्ट पेज, किस राष्ट्र संघ के सदस्यों के नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था? आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1928। निम्नलिखित में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित है? कल्पना दत्त। बोस ने मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ड की हत्या का खुदीराम बोस बोल रहे हैं, बोस चंद्रशेखर वो चंद्रशेखर वो क्या बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस ने, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? 1908 में। 1904 में क्रांतिकारी गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? दामोदर सावरकर।
मित्र मेला वर्ष डैश में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। साल बताने में 1908 बंगाल का किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में ही निधन हो गया था? खुदीराम। तो यही पे समाप्त करते देख सकते हैं कि जीके बहुत लंबा चलता है। इतना लंबा सेशन आप लोग शायद और भी चैनल पे देखते होंगे, एक घंटा डेढ़ घंटे का, लेकिन इतने में ही बहुत सारा क्वेश्चन कंप्लीट किए गए। कितना मिनट हुआ देखो तो 15 मिनट में लगभग कितना क्वेश्चन गिन के देखे क्या? लगभग 30 से 35 क्वेश्चन। सोचिए 30 से 35 क्वेश्चन एक घंटे में बहुत सारे चैनल पे कराया जाता है, लेकिन हमारे अगर चैनल को लगातार विजिट करेंगे आने वाले समय में आपको डायरेक्ट मिलेगा। सचिन को बोल देते हैं कल से जो कट करके ही भेज दीजिएगा आप ही, डायरेक्ट जो पढ़ेगा ना डायरेक्ट कट करके ही भेजिएगा, बाकी डिटेल पढ़ते रहेगा ये लोग। हाँ आंसर जिसमें भेजाने वाला आंसर होगा उसी तरह भेजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ठीक है तो चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं, मजे आ जाएगा। इसी तरह पढ़ते रहे लिखते रहे, होशियार बने। और फिर बोल रहे हैं जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आप निखरेंगे।